इसी बार यहाँ 1000 की, 1000 में क्या है 6, 6 के नीचे 1, तो 6 में से हम घटाएंगे 1, कितना बचेगा 5। अब किसी बार यहाँ 10000 की, 10000 में कितना है 8, 8 में से 2 घटा सकते हैं, घटा सकते हैं क्योंकि 8 बड़ी संख्या और 2 उससे छोटी संख्या है, तो 8 में से 2 घटाने पे कितना बचेगा यहाँ पे 6, तो आंसर कितना आया 21, 22, सैकड़ा, हजार, 10000, 65131। आंसर बराबर 65131। नंबर था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10000, लाख। तो हम जब कभी भी घटाते हैं तो हमेशा इकाई की ओर से घटाते हैं, तो इकाई में क्या लिखा हुआ है 5, और 5 के नीचे 5, तो 5 में से 5 क्या हम घटा सकते हैं, घटा सकते हैं, तो 5 में से 5 कितना बचेगा 0। अब किसकी बारी आई दहाई की, तो दहाई में क्या लिखा हुआ है 1, और 1 के नीचे 4, तो क्या हम 1 में से 4 घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते क्योंकि 1 छोटी संख्या 4 से बड़ी संख्या है, तो क्या करेंगे हम आगे वाली संख्या से उधार लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 और यहाँ बचा 3, तो क्या हम अब घटा सकते हैं 11 में से 4 घटा सकते हैं क्योंकि अब 11 बड़ी संख्या है और 4 से छोटी संख्या है, तो 11 में से 4 घटाने पे कितना बचेगा 7। अब किसकी बारी आई सैकड़े की, सैकड़े में क्या है 3, और 3 के नीचे 9, क्या 3 में से हम 9 को घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते क्योंकि 3 छोटी संख्या है और 9 से बड़ी संख्या है, तो आगे वाली संख्या से क्या करेंगे हम उधार लेंगे, इसके पास हो गया 13, वो कम हो जाएगा 2, तो 13 में से 9 घटाने पे कितना बचेगा हमारे पास 4। अब किसकी बारी आई हजार की, तो हजार में क्या है 2, और 2 के नीचे 8, क्या 2 में से 8 घटा सकते हैं, नहीं क्योंकि 2 छोटी संख्या है 8 से बड़ी संख्या है, तो आगे वाली संख्या से उधार लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा 1, तो 12 में से 8 का घटाने पे कितना बचेगा 4। अब किसकी बारी आई 10000 की, तो 10000 में क्या है 1, और 1 के नीचे 3, क्या 1 में से हम 3 घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते क्योंकि 1 छोटी संख्या है 3 से बड़ी संख्या है, तो आगे वाली संख्या से उधार लेंगे, तो इसके पास हो गया 11 और यहाँ हो जाएगा 7, तो 11 में से 3 घटाने पे कितना बचेगा 8। अब किसकी बारी आई लाख की, लाख में क्या है 7, 7 में से 4 घटाने पे कितना बचेगा 7 में से 4 घटाने में बचेगा 3, तो कितना आंसर आया